नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे एक मोबाइल पीसीबी से आईसी को सेफली रिमूव करके फिर उस आईसी को इजी तरीकों से रिवॉल्विंग करके मोबाइल पीसीबी में लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये सब आप लोग फुल डिटेल में जानना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल अभी मेरे पास जो ये फोन है ये जियो का F220B मॉडल है और ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है दोस्तों, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस फोन से एक आईसी को रिमूव करके फिर उस आईसी को रिवॉल्विंग करके इसी फोन में उस आईसी को लगा के फोन को सक्सेसफुली ऑन करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले फोन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर से हम EMMC आईसी को रिमूव करेंगे। तो आईसी को रिमूव करने से पहले आईसी के ऊपर थोड़ा पेस्ट डालेंगे, इसको फ्लक्स पेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, मैं टेम्परेचर को 370 कर दिया और एयर को 3 पे रखा और इस तरह आईसी की चारों तरफ हॉट एयर गन को घुमाना है और थोड़ा थोड़ा करके मिडिल में भी हीट देना है। और आईसी जैसे हिलने लगे उस टाइम आपको आईसी को उठा लेना है और ये आप अपने हिसाब से आईसी को उठा सकते हो, आप सीधे पकड़ के भी उठा सकते हो और इस तरह भी उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, हमारा आईसी सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है और अभी जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको क्लीन करेंगे। दोस्तों, इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट डाल दिया और अभी मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से क्लीन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे डी सोल्डर वायर का भी मदद ले सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं इस पॉइंट्स को अच्छे से डी शोल्डिंग करके क्लीन कर लिया और अभी मैं आईसी को क्लीन करूंगा। दोस्तों, आईसी को क्लीन करने के बाद अभी एक हम लोग को टिश्यू पेपर की ज़रूरत होगी। टिश्यू पेपर हो या फिर एक कॉटन की टुकड़े हो, ठीक है। ये मेरे पास एक टिश्यू पेपर है तो मैं इसको
इस तरह से फोल्ड कर लिया। और अभी हम यहाँ पे आईसी को बिठाएंगे और इसके बाद आईसी के ऊपर स्टेंसिल को बिठाएंगे। दोस्तों इस तरह स्टेंसिल का जो होल है और आईसी की बॉल को मैच करके ट्वीजर से इस तरह पकड़ के रखना है और फिर इसके अंदर पीपीडी पेस्ट लगाना है, ठीक है। दोस्तों ये है पीपीडी पेस्ट, ये शोल्डर पेस्ट ही है। तो स्टेंसिल का जो होल है और आईसी का जो बॉल है उसको इस तरह मैच करके पीपीडी पेस्ट लगाएंगे। और अभी मैं यहाँ पे एक ब्लेड की मदद से इसको सही से भर देता हूँ पीपीडी पेस्ट को। पीपीडी पेस्ट को सही से लगाने के बाद स्टेंसिल के ऊपर जो पीपीडी पेस्ट लगे रहते हैं उसको क्लीन कर लेना है। रिवॉल्विंग करने के टाइम ट्वीजर को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, आईसी के ऊपर से स्टेंसिल ना हिले इस तरह आपको पकड़ के रखना है, ज्यादा प्रेशर देके भी नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे टेम्परेचर को 250 किया और एयर को मैंने 2 सेट कर दिया। आईसी को रिवॉल्विंग करने के टाइम आपको हॉट एयर गन को इस तरह धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आना है। देखिए दोस्तों हमारी आईसी में अच्छे से बॉल बन चुका है, शायद आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाता हूँ। और अभी हम स्टेंसिल से आईसी को निकालने के लिए थिनर देके क्लीन करेंगे। और अभी हम यहां पे आईसी को और एक बार क्लीन करेंगे। और अभी आईसी के ऊपर फ्लैक्स पेस्ट डाल के आईसी को दोबारा रिसोल्डिंग करेंगे, क्योंकि आईसी में जो बॉल बना है उसको मजबूत करने के लिए और जो बॉल टेढ़ा है उसको सीधा करने के लिए। फिलहाल इसके अंदर तो कोई बॉल टेढ़ा नहीं है और जो बॉल है वो भी मजबूत बना है, फिर भी मैं इसमें फ्लक्स पेस्ट डाल के रिसोल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों जिस टेम्परेचर और जिस एयर से मैंने इस आईसी को रिवॉल्विंग किया था वही सेम टेम्परेचर और सेम एयर देके इस टाइम मैं इसको रिसोल्डिंग कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी जो जिस तरीकों से ये जो सारे काम कर रहा हूँ ये सिर्फ यही तरीका नहीं है, इस काम को करने के लिए और भी बहुत सारे तरीका है, मैं भी इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाता हूँ। दोस्तों देखिए आईसी को हमने यहाँ पे अच्छे से रिवॉल्विंग करके रिसोल्डिंग कर लिया और अभी हम आईसी को और एक बार क्लीन करके मोबाइल पीसीबी में लगा देंगे। दोस्तों अभी मोबाइल पीसीबी में आईसी को बिठाने से पहले
जहाँ पे आईसी बैठते हैं जिस पॉइंट में, उसमें थोड़ा पेस्ट लगाना है। और देखिए दोस्तों, जहाँ पे आईसी बैठते हैं उसके अंदर चारों तरफ मार्क दिया हुआ है, उस मार्क के अंदर हम आईसी को सही से बिठाएंगे। देखिए दोस्तों, आईसी को आपको इस तरह सही से बिठाना है। और अभी मैं जो यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ वो 390, और एयर को मैं पूरी तरह लो कर दिया ताकि आईसी अपने जगह से ना हिले, क्योंकि मैं ट्वीजर से आईसी को नहीं पक रहा है, इसलिए मैं एयर को पूरी तरीके से लो कर दिया आईसी को बैठने तक। जब आईसी बैठने लगेगा तो मैं एयर को थोड़ा हाई करूँगा। देखिए दोस्तों, आईसी बैठने लगा है और अभी मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर को हिला के देखता हूँ। देखिए दोस्तों, आईसी की चारों तरफ आपको इस तरह हीट देना है। दोस्तों, अभी मैं टेम्परेचर को 370 और एयर को 3 कर दिया। दोस्तों, इस तरह आपको हॉट एयर गन को घुमाना है, ठीक है, चारों तरफ इस तरह। तो आईसी तो हमारे यहाँ पे सही से बैठ गया है। मैं इसमें थोड़ा आईसी को हिला के देखता हूँ। दोस्तों, आईसी तो हमारे यहाँ पे सही से बैठ चुका है। और अभी मैं इस वीडियो को कहीं पे भी काट नहीं करूंगा। पहले हम पीसीबी को ठंडा करेंगे, उसके बाद सीधा फोन को ऑन करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा आईसी पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो दोस्तों, पहले बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेट सक्सेसफुली ऑन हो रहा है। तो देखते हैं सेट पूरी तरीके से ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा सेट सक्सेसफुली ऑन हो रहा है। दोस्तों, आईसी को सेफली रिमूव करना और अच्छे से रिवॉल्विंग करना और आईसी को सही पोजीशन में लगाना, ये सारे काम इस तरह होते हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक और एक कमेंट से बहुत मोटिवेट मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।